नमस्कार दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको फटाफट से बता दूं कि इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं और हम चैनल पे करते क्या हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से हम आपकी हेल्प करने वाले हैं स्पेशली आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सीरीज़ की, उसमें हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मतलब एक आइडिया रख देते हैं आपके आगे, उसके बाद जिस तरह से चेंजेस आपको करने हैं आप कर सकते हैं। और एक सीरीज़ हमने बेस्ट म्यूचुअल फंड की निकाली हुई है, जहाँ पे हम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताते हैं हर कैटेगरी में कौन सा अच्छा है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, तो एक कैटेगरी में तीन तीन फंड भी निकल सकते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं थर्ड नंबर पर आ जाऊँ कि एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड उठा के उसको रिव्यू करना और कुछ ऐसे स्टॉक्स बताना जिन जो वैल्यूएशन के मामले में काफ़ी बढ़िया इस समय चल रहे हैं। तो मेनली अभी ये चार सीरीज चल रही हैं, आगे आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड एक कोर्स आएगा 2.0, जहां पे हम आपको सारा का सारा पोर्टफोलियो बनाना सब कुछ, ताकि आप खुद पोर्टफोलियो बना पाएं। जो लोग पिछले काफ़ी समय से कमेंट कर रहे हैं भाई हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो, वो लोग खुद अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएं। और मैं कह रहा हूँ ये स्किल अगर आप सीख गए ना, तो लाइफ में आपको कहीं पे भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना पोर्टफोलियो आप अपना पोर्टफोलियो अपने तक रख सकते हैं, खुद रिव्यू कर सकते हैं और खुद उसको बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है 2023 में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग के जनवरी फरवरी मार्च कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा एक डेढ़ महीने के अंदर। और अब चलते हैं स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट किए, और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपको अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है या फ्यूचर में ट्रेड करना है तो वो आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद अगर मैं नीचे जाके बात करूँ तो अगर हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपके पास दो तीन ऑप्शन आ जाएंगे, और अगर इनको व्यू मोर पे क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप निफ्टी 50 का कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद हम अगर एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत आराम से, और आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी भी क्रिएट कर सकते हो, तो आप गलती करने से बच जाओगे। और अगर यहाँ पे आप कोई भी, जैसे मान लो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये सिलेक्ट करा तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस पता लग जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट पता लग जाएगा, और आप वो ट्रेड ढूंढ सकते हैं जहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और इसकी स्पीड और स्मूथनेस बहुत कमाल की, आप खुद यूज़ करके देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में आगे आने वाले टाइम में भी बात करेंगे। मैं आपको बाकी स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बताता हूं। द क्वेश्चन इज व्हाई डू सो मेनी पीपल आर विलिंग टू पे प्राइस ऑफ कार्स, हाउसेस, फूड एंड वेकेशन, ट्राई सो हार्ड टू अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट रिटर्न। द आंसर इज सिंपल, द प्राइस ऑफ इन्वेस्टिंग सक्सेस इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। देखो कहने का मतलब क्या है, और ये लाइन मैंने कहाँ से उठाई है, ये लाइन उठाई है हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी से, जहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि यार लोग हर चीज़ का प्राइस पे करने को तैयार हैं। ठीक है, महंगी महंगी गाड़ियाँ, घर सब खरीदने को तैयार हैं, लेकिन कहीं अगर हम बोल देना कि हम पेड सर्विस दे रहे हैं, या कोई भी बुक आपको रिकमेंड कर दें कि आप ये बुक ले लीजिए, वो बुक ले लीजिए, तो वहाँ पे लोग बहुत सोचते हैं छोटे से प्राइस को पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, आपको रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिलने वाले। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हो, इवन हमारी पेड सर्विसेज पे जो आप ले सकते हो, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर लिखा है उस पे व्हाट्सएप करके, और या फिर आप कोई बुक ले रहे हो, जैसे मैं आप बोलता हूँ साइकोलॉजी ऑफ मनी ले लो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ले लो, कुछ भी बुक आप पढ़ रहे हो, तो उनका प्राइस पे करने में आपको कोई बुराई नहीं है। मुझे पता है रिजल्ट बहुत टाइम बाद मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और आपका, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, अब चलते हैं स्क्रीन पे और फटाफट से पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, इन्होंने SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, PGI मीडियम मिड कैप, केनरा, रोबेको, ब्लू चिप और क्वांट फ्लेक्सी, पांच रह चुका है, गुड और बैड प्लीज रिप्लाई। ये तो देखो गुड और बैड कुछ भी नहीं होता, ठीक है, हो सकता है आपने किसी आपने सोच समझ के लिया हो, क्या सोच के लिया है वो आपको पता, लेकिन इसमें जो कमी, अगर जनरल कमी देखी जाए तो वो क्या है वो मैं बता देता हूँ, और इसको हम डीप में रिव्यू करने वाले हैं, और हमने क्वांट फ्लेक्सी क्यों नहीं लेना या क्यों, और भी क्या क्या चेंजेस हैं वो हम बताएंगे। और आप मुझे अभी बता सकते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है, तो आपको पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो सबसे पहले रिव्यू होगा। ठीक है, एक में आपने इसकी गलती बतानी है कि क्या गलती थी इस पोर्टफोलियो में, और दूसरा आपको अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप करना है कमेंट बॉक्स में। तो अब अगर नीचे चलूँ तो यहाँ पे विशाल तिवारी जी का एक क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन था, क्वांट एक्टिव की NAV इतनी हाई क्यों है, इस टाइम इन्वेस्ट करना सही रहेगा फंड में हायर NAV के साथ? देखो NAV को मत देखो मेरे भाई, मत देखो NAV हाई है लो है। अगर आपने सिप स्टार्ट करनी है तो सिप स्टार्ट करने का सही समय आज से 10 साल पहले था, ठीक है, दूसरा सबसे सही समय आज है। किसी का महान आदमी का ये कोट था कि ठीक है, किसी भी अच्छा काम करने का सही समय 10 साल पहले था, या पेड़ को बोने का, और दूसरा सबसे सही समय अभी है। तो सिप स्टार्ट करनी है तो कोई मेरे भाई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप
सिर्फ स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लमसम इन्वेस्ट करना है तो मार्केट, आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नॉर्मली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 का पीई क्या है और उसका मीडियन पीई क्या रहता है, ये चीज़ें आप देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो। या फिर जनरली आप देखें तो मार्केट 5-10% डाउन होता है तो आप ले सकते हैं, उसके लिए शायद आपको वेट करना पड़े। उसके बाद हितेश जी ने बोला है कि सर आई एम स्मॉल इन्वेस्टर। देखो सर, आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं, आपने पैसा भी कम डाला हुआ है तो हम आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी पेड सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी क्यों, रीज़न मैं बता देता हूँ। देखो, इसको मैंने अभी के लिए बहुतों को बोला कि आप स्टॉप कर दो या बहुत कम पैसा इसमें डालना है, इसमें मैं मना करता हूँ। ये अंडर परफॉर्मर है और ये तो मैं वैसे भी और हर किसी का, हर इन चारों में से मेरे पास रीज़न है और बहुत सॉलिड रीज़न है कि इनमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये पूरा पोर्टफोलियो बहुत बेकार है, नया बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पेड सर्विसेज ले लें। और अगर नीचे आऊँ तो मैं यहाँ पे अगर हम देखें तो डेट में 5%, इक्विटी में 94%, एग्रेसिव ग्रोथ, ये आपका पोर्टफोलियो बना है अभी तक। ग्रोथ स्टाइल है और लार्ज कैपिटलाइजेशन है, टोटल देखा जाए तो 43% लार्ज कैप कंपनियों में, 39% मिड कैप कंपनियों में और 16% स्मॉल कैप कंपनियों में। और अगर मैं बात करूं एक्सिस स्मॉल की, मैंने एक ही स्मॉल कैप लिया है एक्सिस स्मॉल, जिसमें हमने 22% पैसा डाला है और 22% ही डाला है मैंने। केंद्रा रोबेको में, पीजीएम मिड कैप में भी लगभग सेम है, क्वांट एक्टिव में हमने थोड़ा सा डाला है। तो ओवरऑल अब ये मल्टी कैप है तो इसने लार्ज कैप में थोड़ा सा ज़्यादा एलोकेशन रखा हुआ है, जिस वजह से हमें यहाँ पे ये 4% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ये अच्छा डिफरेंस है कि थोड़ा सा लार्ज कैप ज़्यादा ही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो सेक्टर एलोकेशन हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। एक मुझे ये लगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा सा नीचे चला गया, बाकी बहुत गजब का है। देखो, ये लोगों का 25-26% बहुत जाता है, जो मुझे ठीक नहीं लगता। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि इसको 20 या 22 से ही नीचे रखा जाए, तो ये नीचे आ गया। सेकेंड जो सेक्टर है उसको भी अच्छा खासा एलोकेशन मिले, बहुत बढ़िया। थर्ड को भी अच्छा मिला, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी। हेल्थ केयर सेक्टर भी आपका 8% से ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो बना है। और अगर मैं टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल की बात करूँ तो इनमें आप इनडायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस वजह से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में जिनमें कम पैसा इन्वेस्टेड है, आप इनको आप ये मान लो कि आप इनको ले सकते हो। अगर आप इनको थोड़ा सा एनालिसिस करो, थोड़ा सा देखो, तो आप इनको ले सकते हो, जिस वजह से आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। एवेन्यू सुपरमार्ट हो गया, टाइटन कंपनी हो गई, पेज हो गया, उसके बाद प्राज इंडस्ट्री। ये चार स्टॉक्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे हैं आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन उनका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इनका वेटेज आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। और उसके बाद अगर ये स्टॉक की बात करें तो इन स्टॉक्स में आपका वेटेज सबसे ज़्यादा है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।